अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबसे ये इजी सा सॉफ्ट सा आई लुक शेयर कर रही हूँ और उम्मीद है आप सबको ये पसंद आए। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अपने मैं सबसे पहले आई शेडो पैलेट से ये ब्राउन रेडिश सा शेड लेके अपने ट्रांजिशन शेड के लिए अप्लाई कर रही हूँ। आप अच्छे से इसे ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लीजिए बैक एंड फोर्थ में। सर्कुलर मोशन में भी आपको इस तरीके से ब्लेंड करना है। फिर मैं अपना ये दूसरे दो शेड पिक कर रही हूँ, पर्पल से शेड हैं थोड़े से, इन्हें मैं अपने थोड़े से क्रीज लाइन में डेप देने के लिए ब्लेंड कर रही हूँ। आपको ब्लेंडिंग पे फोकस करना है, ब्लेंडिंग में अच्छे से टाइम देना है। जितनी अच्छी ब्लेंडिंग होगी उतना ही अच्छा आपका मेकअप लगेगा। तो बैक एंड फोर्थ में आप अपना ब्लेंड करते रहिए इन शेड्स को। इसके बाद मैं ये लाइट स्किन कलर शेड पिक कर रही हूँ और इसे मैं अपनी ट्रांजिशन शेड के ऊपर ब्लेंड करूँगी ताकि कोई हार्श लाइन ना दिखे और जो भी डार्क शेड्स हो रहे हैं वो लाइट हो जाएं और अच्छा सा एक लुक आ जाए। तो इस तरीके से आपको सर्कुलर मोशन में ही ब्लेंड करना है। फिर मैं अब ये ब्लैक शेड पिक कर रही हूँ और इसे मैं कट क्रीज पर अपना अप्लाई कर रही हूँ ताकि मेरे कट क्रीज में थोड़ी सी डेप्थ आ जाए और अच्छा सा डीप लुक आए। तो अब मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ। आपको इसे अच्छे से ब्लेंड करना है ताकि ये कलर डार्क और हार्श लाइन कुछ भी ना दिखे, इसमें कुछ भी डार्कनेस ना लगे। इसे आप अच्छे से ब्लेंड कर दीजिए कोई भी ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से। तो इस तरीके से आप सारे कलर्स को ब्लेंड करते रहिए। अब मैं अपना कंसीलर फ्लैट ब्रश की हेल्प से अपनी लिड पे लगा रही हूँ। फिर से आप लगा के आपको ऊपर की तरफ देखना, आपको आपकी कट क्रीज मालूम चल जाएगी। फिर जहाँ पे आपका वो सेंटर में कट लगेगा आप उससे कट कर लीजिए अपनी क्रीज लाइन को। आपको बहुत ही ध्यान से कट करना है, सिंपल जैसे मैं कर रही हूँ आप प्लीज उसी तरह से कट करिए। तो कट करने के बाद अब मैं दोबारा से आउटर कॉर्नर पे ब्लेंड कर रही हूँ सब कलर्स को अच्छे से। आपको कोई भी ब्लेंडिंग ब्रश से आपको उस तरीके से ब्लेंड करना है एक बार। अब मैं ये अपनी पैलेट से ये शिमरी शेड पिक करके अपनी फिंगर की हेल्प से जहाँ मैंने कट क्रीज बनाया था वहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ फिंगर की हेल्प से। इसकी पिगमेंटेशन बहुत ही अच्छी आती है। फिर जो ऊपर का एरिया होगा उसको आप फ्लैट ब्रश की हेल्प से कवर कर लीजिए और आप इसको आप अच्छे से ब्लेंड करना है आपको ऊपर की तरफ क्रीज लाइन के ऊपर। अब मैं ब्लैक शेड ले रही हूँ। अब मैं इसे आउटर वी पे अप्लाई करूँगी, सिर्फ आपको आउटर वी पे ही अप्लाई करना है इस तरीके जैसे मैं कर रही हूँ, कुछ सिंपल वैसे ही करना है। तो आउटर वी पे ही आपको अच्छे से ब्लेंड करना है ब्लैक शेड को और दोनों के बीच में अच्छे से ब्लेंड कर दीजिए ताकि कोई हार्श लाइन ना दिखे। फिर मैं ये शिमरी शेड पिक कर रही हूँ, लाइट शिमरी शेड सिल्वर कलर का, और मैं इससे अपनी इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर रही हूँ और अपनी ब्राउ बोन को भी इससे हाईलाइट करूँगी। अब मैं अपना लाइनर अप्लाई कर रही हूँ। लाइनर आपको बिल्कुल पतला पतला लगाना है, आप
अपनी लैश लाइन के ऊपर क्लोज एकदम। मैं यहाँ पे ज़्यादा मोटा लाइनर नहीं लगा रही, बस एक सिंपल लाइन ड्रॉ कर रही हूँ ताकि मेरा जो आईलैशेस का बैंड है वो दिखे ना, विजिबल ना हो। तो इस तरीके से सिंपली आपको लाइनर एक लैश लाइन के क्लोजली ड्रॉ करना है बस। इसके बाद मैं अपना विंग अप्लाई करने के लिए नीचे की तरफ टेप लगाऊंगी। ये काशी से इंस्पायर्ड मेरा विंग लाइनर है। आप चाहो तो मेरी वीडियो देख सकते हो, मैंने सेपरेट वीडियो काशी से इंस्पायर्ड बना रखी है। इस तरीके से आपको लाइन नीचे की तरफ ड्रैग करनी है और टेप के गाइडलाइन के थ्रू ही आपको एक ऊपर की तरफ विंग बनाना है। जैसे मैं कर रही हूँ आपको सेम उसी तरीके से, आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको इस तरीके से विंग बहुत ही अच्छा शार्प ड्रॉ हो जाएगा। अंदर की तरफ आप लाइन ड्रैग कर दीजिए और जो भी गैप हो आप फिलिंग कर लीजिए। इसके बाद जब आप टेप रिमूव करेंगे तो इस तरीके से आपका लाइन इतना शार्प हो जाएगा। अगर थोड़ा सा बहुत निकल गया हो तो मैं आप जैसे मैं कर रही हूँ फ्लैट ब्रश की हेल्प से, कंसीलर की हेल्प से आप इस तरीके से क्लीन कर लीजिए, आपका लाइनर एकदम शार्प हो जाएगा। इसके बाद मैं ये पर्पल शेड पिक कर रही हूँ, इससे इन दोनों शेड्स को मैं अपनी लोअर लैश लाइन में अच्छे से ब्लेंड करूँगी। जिस तरीके से आपने अपर लैश लाइन अपने ट्रांजिशन शेड पे और क्रीज लाइन पे ब्लेंड करा था, वैसे ही आप लोअर लैश लाइन में ज़रूर वो कलर पिक करके अपना ब्लेंड कर लीजिए लोअर लैश लाइन में। इसके बाद मैं अपना वाइट कलर काजल अप्लाई कर रही हूँ। आप वाइट का पेंसिल या काजल कोई सा भी ले सकते हो, ये मेरा स्टे कोरके का है। इसे आपको वाटर लाइन पे अच्छे से लगाना है और अब मैं अपना कर्लर अप्लाई कर रही हूँ। कर्लर से आपकी आईलैशेस बहुत अच्छे से कर्ल हो जाएंगी। फिर आप मस्कारा अप्लाई करोगे तो आपकी आईलैशेस जो हैं बहुत ही अच्छी लगेंगी, ऊपर की तरफ कर्ल हो जाएंगी। अगर आप लैशेस अगर फेक आईलैशेस आप नहीं भी लगाओगे तो भी आपकी ऐसे ही नेचुरल लुक में आईलैशेस बहुत अच्छी लगेंगी। लोअर लैश लाइन में भी आपको मस्कारा ज़रूर अप्लाई करना है और अपर लैश लाइन में तो करना ही है। इसके बाद आपको नीचे ब्लैक शेड लेना है अपने फ्लैट ब्रश पे और लोअर लैश लाइन में अच्छे से स्मज करना है ब्लैक शेड को। वाइट काजल के नीचे आप कुछ ब्लैक शेड ज़रूर अप्लाई करा करें, तभी आपका लुक जो है बहुत ही अच्छा आता है। वाइट काजल एकदम से पॉप अप होकर दिखता है आपकी आंखों में। तो इस तरीके से अच्छे से आपको ब्लेंड करने के बाद मैं अपनी फेक लैशेस लगा रही हूँ। आपको जो भी अपनी फेक लैशेस पसंद हो आप वो लगा लीजिए। इस तरीके से आपको स्टिक करना दबाना है। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक। कैसा लगा आप सबको मेरा ये वीडियो, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ये आपका पार्टी वेयर सॉफ्ट सा आई लुक क्रिएट हो जाता है इतना ईजी वे में, आप ज़रूर ट्राई करिए। तो मैंने लेंसेस अप्लाई नहीं करे थे, मैंने बाद में अपने लेंसेस अप्लाई करे हैं। तो कैसा लगा आप सबको ये लुक, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, अपनी फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी और भी नई नई वीडियो देखें। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।